वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डी रेकग्निशन से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफली हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ I-16 को डिस्कस करेंगे जो डी रेकग्निशन से रिलेटेड है। उसके बाद एक कैलकुलेशन कैसे हमें कवर करनी चाहिए जिसमें खास तौर पर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स भी इन्वॉल्व हो। उसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज को कैसे कवर करना है जिसमें एक्सचेंज ऑफ एसेट भी इन्वॉल्व हो। तो एक्सचेंज ऑफ एसेट और डिस्पोजल एक साथ जब आ जाता है तो उसको हमने कैसे कवर करना होगा, इस एंगल से ये तीन पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ I-16 की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कब डी रेकग्नाइज करना चाहिए। अब डी रेकग्नाइज करने का बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक एसेट अब हमारी बुक्स में एसेट के तौर पर शो नहीं होगा। सो कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी डी रेकग्नाइज, कब, जब आप उसको डिस्पोज करते हैं। अब डिस्पोजल कैसे हो सकता है, सेल से भी हो सकता है। अगर आप एसेट को फाइनेंस लीज पर दे दें, जैसे ऐसी लीज पर दे दें जिसके बाद ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी है लेसी को, या डोनेशन में दे दें किसी को, फ्री में दे दें जैसे, तो ये डिस्पोजल है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आप उसका डिस्पोजल ना कर रहे हों लेकिन अब उस एसेट से मजीद ना कोई यूज़ होना है ना ही उसका डिस्पोजल एक्सपेक्टेड है। तो बाज़ औक़ात एक एसेट जब आप कम्प्लीटली इस्तेमाल कर चुके होते हैं और उसके बाद आप समझते हैं कि ये इवन स्क्रैप में भी सेल नहीं होगा, तब भी उसको डी रेकग्नाइज कर दिया जाता है क्योंकि अब उस एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेकग्नाइज करने की मजीद कोई लॉजिक नहीं बनती। हमारी डेट ऑफ डिस्पोजल कौन सी होगी, किस दिन हम डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बाज़ोकात ऐसा होता है कि एक एसेट को जब सेल किया जा रहा होता है तो निगोसिएशन होती हैं, उसमें ट्रांजेक्शन होने में कुछ दिन लग जाते हैं। तो डेट ऑफ डिस्पोजल कौन सी होगी, डेट ऑफ डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट वो होगा कि जिस दिन रेसिपियंट एसेट का कंट्रोल ऑब्टेन करता है। तो जिसको हम सेल कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, उस दिन जिस दिन उसके पास उसका कंट्रोल चला गया एसेट का, वो दिन डेट ऑफ डिस्पोजल कंसीडर होगी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमें कितना गेन या लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए डिस्पोजल पे, डी रेकग्निशन पे। तो गेन या लॉस कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि नेट सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। अब नेट सेल प्रोसीड्स ज़्यादा होंगी तो गेन आ जाएगा और अगर कम होंगी तो लॉस आ जाएगा। ये गेन और लॉस कहाँ रिकॉर्ड करें, तो गेन और लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, लेकिन इसको रेवेन्यू के तौर पर क्लासीफाई नहीं करना, यानी इसे आपने गेन आ जाए तो अदर इनकम बनाना है। रेवेन्यू के तौर पर क्यों क्लासिफाई नहीं करना, रेवेन्यू के तौर पर इसलिए क्लासिफाई नहीं करना क्योंकि रेवेन्यू वो चीज़ होती है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से इनकम अराइज हो रही है, जबकि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसी भी एंटिटी के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता। फिर पार्ट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले भी हमने कवर किए हैं लेकिन अब दोबारा डिस्कस करते हैं, क्योंकि पार्ट रिप्लेसमेंट में जहां एक नया एसेट आ रहा होता है वहां पे एक पुराना जा भी रहा होता है। तो डेफिनेटली आप न्यू एसेट, जो पार्ट आपने रिप्लेस किया उसको रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, उसे कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन जो पुराना पार्ट है उसे आपने डी रेकग्नाइज करना है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिप्लेस पार्ट हैड बीन डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। चाहे आप ये कहें कि जी हम तो पूरे एसेट को एक साथ डेप्रिशिएट कर रहे थे, हम तो पार्ट वाइज उसको अलग अलग रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, स्टिल आप अगर एक पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं तो जो ओल्ड पार्ट रिप्लेस हो गया है उसकी डी रेकग्निशन रिकॉर्ड होगी। अच्छा, अब बाज़ोकात ये भी होता है कि आप कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये जो पार्ट है ये कितने का था, इसकी कितनी कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट हमने अलग से तो पे नहीं की थी, हमने तो पूरा एसेट इकट्ठे खरीदा था। तो उसमें भी स्टैंडर्ड ये गाइडेंस देता है कि अगर ये प्रैक्टिकेबल ना हो कि जो रिप्लेस पार्ट है उसकी कैरिंग अमाउंट आप डिटरमिन ना कर सकते हो किसी और तरीके से, तो फिर आपने जो अब नया पार्ट लाए कराए हैं आप, इसकी अमाउंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिप्लेस पार्ट होगा वो जब खरीदा गया था तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। इसकी मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेट से हमने एक एसेट जो है वो 100 मिलियन का परचेज किया था 5 साल पहले। अब उसमें से उसकी एक मोटर या इंजन जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने सोचा कि ज़्यादा उसको जो है ना चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने जो नया पार्ट परचेज किया वो हमें मिला लेट से कि 8 मिलियन का, तो हम कहते हैं कि वो जो नया पार्ट है वो 8 मिलियन का डी रेकग्नाइज कर लेना चाहिए। अच्छा, अब 8 मिलियन का नया पार्ट तो हमने रेकग्नाइज कर लेना चाहिए, तो 8 मिलियन का हमने नया पार्ट तो रेकग्नाइज कर लिया। पुराना पार्ट जब डी रेकग्नाइज करने की बात आती है तो हम कहते हैं कि जी पुराने पार्ट का तो हमें नहीं पता कितने का था, हमने तो पूरा एसेट 100 मिलियन का खरीदा था, तो अब वो कितने का होना चाहिए हमें अंदाज़ा नहीं है। तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि अब जो टोटल एसेट है वैसा वो मार्केट में 200 मिलियन का मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर नया टोटल एसेट 200 मिलियन का हो गया, इसका मतलब है कि रेट्स डबल हो गए, तो अब जो पार्ट 8 मिलियन का है इसका मतलब है कि पहले वो पार्ट 4 मिलियन का था।
तो पुराना जो पार्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं डी रेकग्निशन के लिए, उसकी हम कॉस्ट जो है 4 मिलियन की एज्यूम कर सकते हैं। तो एस्टिमेट को यूज किया जा सकता है इसमें, कोई 100% एक्यूरेट फिगर लेने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेट भी अगर रिलायबल मेजरमेंट हो तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जी गेन और लॉस क्या होता है, नेट सेल प्रोसीड्स और कैरिंग अमाउंट एट द डिस्पोजल का डिफरेंस। सेल प्रोसीड ज्यादा होंगी तो गेन, और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी तो लॉस। अब नेट डिस्पोजल प्रोसीड से क्या मुराद? अच्छा, नेट डिस्पोजल प्रोसीड से मुराद ये है कि कैश रिसीव्ड, और अगर एसेट्स का एक्सचेंज है तो जो नया एसेट रिसीव हुआ है वो भी कॉस्ट पर। फिर अगर आपने कोई कैश पे किया, बाज़ूकात क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एसेट हो रहा होता है तो कैश रिसीव करने की बजाय हम कैश पे भी कर रहे होते हैं, तो कैश पे हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे। और जो डिस्पोजल कॉस्ट, जैसे सेल करने पे कोई कमीशन पे करना पड़ रहा है, कोई इस तरह का खर्चा हो रहा है, तो वो डिस्पोजल कॉस्ट भी लेस कर देंगे। तो ये चार आइटम मैक्सिमम हो सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको सिर्फ कैश रिसीव्ड ही दिया हो तो वो नेट डिस्पोजल प्रोसीड होगी, लेकिन मैक्सिमम जो आइटम हो सकते हैं वो ये चार हो सकते हैं। फिर हम कैरिंग अमाउंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो कैरिंग अमाउंट का कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है कि कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो नेट सेल प्रोसीड्स कैलकुलेट होगी और कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट होगी। तो इन दोनों के कैलकुलेट होने से बेसिकली हमारे पास जो है वो गेन और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट बाज़ूकात क्वेश्चन में और यूज हुआ होता है, जिसे कहते हैं ट्रेड इन वैल्यू। अच्छा, ट्रेड इन वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आप एसेट एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो जो पुराने एसेट की वैल्यू एग्री होती है दूसरी पार्टी के साथ, उसे ट्रेड इन वैल्यू कहते हैं। और बाज़ूकात क्वेश्चन में ये वो हमें बताने के बजाय कि हमने कितना कैश पे किया, वो ये बताता है कि जी नया एसेट जो है ना वो 50 मिलियन का है और पुराने एसेट की जो ट्रेड इन वैल्यू है ना वो 20 मिलियन है। तो इसका मतलब है कि नया 50 का है, पुराने की वैल्यू एग्री 20 पर हुई है, तो हमें जो कैश पे करना होगा वो रिमेनिंग होगा, यानी 30। तो कैश टू बी पेड इन एक्सचेंज कैलकुलेट हो सकता है प्राइस ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन वैल्यू की बेसिस पर। अब जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। सो मैक्सिमम जो एक डिस्पोजल की एंट्रीज हो सकती हैं वो ये 7 एंट्रीज हैं। सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एसेट हमारे पास नहीं रहा तो हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट को कम कर दें, तो एसेट का जो कॉस्ट अकाउंट होता है उसे क्रेडिट कर देते हैं और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाता है। अच्छा, दूसरा अकाउंट हर जगह पे डिस्पोजल ही होगा क्योंकि आप डिस्पोजल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली हर चीज़ डिस्पोजल अकाउंट में जमा कर लेते हैं और वहाँ से गेन और लॉस निकल आता है। इसी तरह जब एक एसेट नहीं रहा तो उसकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं रहनी चाहिए, तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, उसे ख़त्म करने के लिए हम डेबिट कर देते हैं, और दूसरा अकाउंट डिस्पोजल है। फिर सेल प्रोसीड्स के तौर पर जो हमें कैश रिसीव होता है, तो पैसे रिसीव हो गए तो बैंक डेबिट, अगर अभी रिसीवेबल हैं कुछ दिन का, हमने जैसे मार्जू का टाइम दे देते हैं दूसरी पार्टी को, तो बैंक या रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और दूसरा अकाउंट कौन सा है? डिस्पोजल। फिर पार्ट एक्सचेंज हुआ है, यानी आपने कुछ पैसे दिए हैं और कुछ आपने एसेट भी लिया है, तो एसेट जो नया आएगा तो नया एसेट डेबिट ही होगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे? डिस्पोजल। अगर आपकी कोई डिस्पोजल कॉस्ट लग जाती है तो डिस्पोजल अकाउंट अलग से कोई एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, डिस्पोजल अकाउंट को ही डेबिट करें और क्रेडिट कर दें बैंक या एक्रूवल जो आपका रिकॉर्ड होना है। इसी तरह जब एसेट एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो जिस तरह हमने बात की थी कि कैश रिसीव हो सकता है तो कैश पे भी हो सकता है, तो तब कैश पे होगा तो बैंक क्रेडिट होगा, बैंक को क्रेडिट कर दें, डेबिट क्या करेंगे? डिस्पोजल। और फिर अब दो सिचुएशन होंगी, या आपके पास कैलकुलेशन करके गेन आ रहा होगा या आपके पास लॉस आ रहा होगा। गेन होता है तो इनकम होती है, गेन क्रेडिट हो जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और या फिर गेन नहीं आ रहा तो लॉस आ रहा होगा, तो लॉस आ रहा होगा तो लॉस एक एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या कर देंगे? डिस्पोजल। जब आप ये सारी एंट्रीज पास कर लेंगे तो डिस्पोजल अकाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड पर इक्वल होगा, टोटल उसका जब करेंगे तो वो फाइनलाइज हो जाएगा और उसका कोई बैलेंस बाकी नहीं बचेगा। अब बेसिक लेवल पर तो ये ज़्यादा एंट्रीज की जाती हैं, फिर आप लेजर अकाउंट बनाते हैं कॉस्ट का, आप लेजर अकाउंट बनाते हैं क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का, आप लेजर अकाउंट बनाते हैं एसेट के डिस्पोजल का। जब थोड़ा एडवांस लेवल पर आते हैं तो इतनी ज़्यादा एंट्रीज करने का और अलग अलग लेजर्स बनाने का टाइम नहीं होता, तो हम थोड़ा सा हमें स्मार्टली चलना पड़ता है। जो ये 7 एंट्रीज हैं ये एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके भी कवर की जा सकती है। कॉन्सेप्ट वही है, यानी अगर आप देखें तो जो हमारी पहली एंट्री थी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हमने क्रेडिट करना, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना,
कैश अगर रिसीव होगा तो डेबिट होगा। कोई नया एसेट एक्सचेंज में मिलता है तो डेबिट होगा। डिस्पोजल कॉस्ट लगती है तो बैंक से पेमेंट हो रही होगी तो वो जाहिर बात है आपका क्रेडिट हो जाएगा, या आप दूसरी पार्टी को कैश पे कर रहे हैं एक्सचेंज में तो बैंक तो क्रेडिट होना है। और अब आप इस एंट्री का जो बैलेंसिंग फिगर देखेंगे, अगर डेबिट साइड शॉर्ट हो तो लॉस आ जाएगा और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट हो तो गेन आ जाएगा। तो गेन और लॉस भी एज अ बैलेंसिंग फिगर आपके पास एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने से आ जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि जी आपने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं तो आपको ये अलग अलग सेवन एंट्रीज का भी पता होना चाहिए। और अगर आपको क्विक कैलकुलेशन करनी है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जी एक जर्नल एंट्री पास करते हैं डिस्पोजल की, तो आप एक ही एंट्री पास करें, अपना टाइम भी बचाएं और मार्क्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको दोनों आने चाहिए, आपको ये अलग अलग सेवन एंट्रीज भी आनी चाहिए और आपको ये कंबाइन वाली एंट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि कहीं टाइम बचाना होगा। और ये जो अलग अलग सेवन एंट्रीज हैं ये और जगह पे काम आ जाती हैं, जैसे जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे होंगे तो समटाइम एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें कैलकुलेट करना होता है डेप्रिसिएशन को, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे फाइंड आउट करना होता है कि एसेट डिस्पोज कितने हुए थे, या कैलकुलेट करना होता है कि एसेट नए कितने के खरीदे थे, तो वहां पर प्रॉपर लेजर अकाउंट को जो है वर्किंग के तौर पे यूज किया जा रहा होता है। तो फिर आपको ये जो अलग अलग सेवन एंट्रीज हैं इनको भी, इनका कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आप इसमें से ये नहीं कर सकते कि शॉर्टकट को यूज कर लें और दूसरे वाले को टोटली इग्नोर कर दें। अब डी रेकग्निशन से रिलेटेड अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में पास पेपर के तौर पर आया था अल्फा एंटरप्राइजेस का, और ये पास्ट एग्जाम है आटम 2019 का। ये आप लाजमी ट्राई कर लें, ये एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो ये जनरल एंट्रीज भी कवर होंगी, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए कम्प्लेक्स सिचुएशन में वो भी उसके अंदर कवर हो रही है, और ये जो आपका अलग अलग एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट है ये इसके अंदर आपका इम्प्लीमेंट हो रहा हो। तो प्रॉपरली आपको प्रॉपर लेजर्स, जर्नल एंट्रीज और कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करना है तो अल्फा एंटरप्राइजेस का क्वेश्चन आपने लाजमी सॉल्व कर लेना है इन सपोर्ट ऑफ दिस लेक्चर। वेलकम टू एबीसी कैंपस, आज हम पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट से, जो कि एक्सचेंज के टॉपिक पर, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में डिस्पोजल यानी डी रेकग्निशन और एक्सचेंज ऑफ एसेट्स दोनों को एक साथ हमने देखना है, और बड़े सिंपल सी जो है ना सिचुएशन है जिससे हमें एक्सचेंज की फर्दर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू 3 एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम ही हैं, और तीनों के बारे में हमें ये बताया हुआ है कि कितना कैश रिसीव्ड या पेड है, एसेट्स जो गिवन अप हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू क्या थी, और एसेट रिसीव्ड जो हैं उनकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू भी गिवन है। लेकिन हर चीज़ के बारे में कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल, और इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट, और इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन 3 फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल, यानी तीन दोनों की ही फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और जो इशू हमारा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में होता है वो होता है कि क्या ट्रांजेक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक करती है या नहीं करती, और क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नॉर्मल एजम्पशन यही होती है कि हम ये अज्यूम करेंगे कि ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है और वो कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो लैक नहीं हो रहा, तो उस एजम्पशन की बेस पर जो है हम इसको लेकर चलेंगे। तो वन बाय वन हर सिचुएशन को जो है हम देखते जाते हैं, और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ये नहीं है कि आपने एक्सचेंज में जो एसेट है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, वो करना पड़ेगा हमें एज अ प्रोसेस, मेन रिक्वायरमेंट है कि गेन और लॉस को कैलकुलेट करें। सो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आंसर डेवलप कर लेंगे हम, और हमारे पास जो 3 सिचुएशंस हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन के अंदर क्योंकि रुपीज इन मिलियन दिए हुए तो वही लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ हम यूज कर लेते हैं। हमें एक फिगर जो चाहिए होगी वो तो है नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स की, और इसको हमने कंपेयर करना होगा कैरिंग अमाउंट के साथ, दैट इज बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्योंकि जो
तीनों एसेट्स हैं इनकी ये बुक वैल्यू बताई हुई 6.4, 7.3 एंड 3.4, तो इसको तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर अपने पास नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट आइटम है गेन और लॉस, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है वो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। नेट डिस्पोजल प्रोसीड में हमें सबसे पहले जो कैलकुलेट करना होगा वो होगा कि हम क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एसेट कर रहे हैं तो कैश के अलावा हमें एसेट भी रिसीव हो रहा हो, तो जो एसेट हमें रिसीव हो रहा है उसको हमें किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले एसेट को देखते हैं, तो इसमें उन्होंने कहा जी फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। जब दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो तो जो नॉर्मल हमारा स्टांस होता है वो ये होता है कि हमने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो एसेट हमने दिया है उसकी फेयर वैल्यू को लेना है, और अगर हमने कोई कैश पे किया हो तो वो भी उसमें ऐड कर देंगे, रिसीव किया हो तो वो माइनस कर देंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमने 10 लाख का एसेट दिया है किसी को और उससे 2 लाख रुपए कैश ले लिया है, तो इसका मतलब है कि जो न्यू एसेट है वो बेसिकली 8 लाख रुपए का है, तभी तो हमने 10 लाख का एसेट दे के 2 लाख कैश रिसीव किए। तो इसके अंदर जो एसेट गिवन अप है उसकी फेयर वैल्यू है 8.5 और कैश रिसीव्ड है 1.1, तो इसको हम यूज करेंगे और इससे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो दैट वुड बी 7.4। अब हमारे पास एसेट रिक्वायर्ड की वैल्यू आ गई 7.4। नेक्स्ट हम सेकेंड एसेट को देखते हैं। सेकेंड एसेट जो है इसमें ये बताया हुआ है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट, यानी ये जो अमाउंट है हमारे पास 9 मिलियन की, ये क्लियरली मोर एविडेंट है। और जब ये अमाउंट हमें पता है कि जो एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू 9 मिलियन है, तो उसको 9 मिलियन पे रिकॉर्ड करना चाहिए और इस सिचुएशन में कैश वगैरह की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होगी। थर्ड सिचुएशन है कि जी फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल, तो जब फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो इन दैट केस ऑब्वियसली हम फेयर वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। फिर देखा जाता है कि बुक वैल्यू और अगर कोई कैश पे या रिसीव हो रहा हो तो उसको देखते हैं। सो बेसिकली 3.4 का एसेट हमने दिया है, कोई कैश रिसीव और पे नहीं हो रहा और फेयर वैल्यू भी रिलायबल मेजरेबल नहीं है, तो हम यही अज्यूम करेंगे के जो पुराना एसेट 3.4 का था तो जो नया एसेट है वो भी 3.4 का ही है फिर, क्योंकि ना फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है और ना ही कोई कैश पे या रिसीव हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसमें कैश की एडजस्टमेंट का होता है, लेकिन 3.4 यहां पर क्योंकि कैश तो कोई भी नहीं है तो जीरो अमाउंट है, तो डायरेक्ट हम 3.4 की अमाउंट ले लेंगे। अब एसेट एक्वायर्ड के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि हमने कैश कितना रिसीव किया, तो वो भी हमारी डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, और पे कर रहे होंगे तो उसको नेगेटिव में ले लेंगे। तो यहां गिवन है कि जी 1.1 का कैश रिसीव हुआ, 2.1 का पे किया, और थर्ड सिचुएशन में कोई पेमेंट या रिसीव नहीं। इसके बाद अगर कोई डिस्पोजल कॉस्ट हो तो वो भी हम ले लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है। अब हर एसेट की कैलकुलेशन करते जाते हैं, तो एसेट वन जो है उसकी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स हमारी बनती हैं 8.5 और कैरिंग अमाउंट 6.4 थी, तो दोनों को कंपेयर करें तो कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा पर सेल हुआ है तो 2.1 का गेन रिकॉर्ड कर लें। सेकेंड एसेट लेते हैं, तो इसमें हमारी जो नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं वो बनती हैं 6.9 की, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा थी तो लॉस आ जाएगा 0.4 का, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। और थर्ड एसेट जो है 3.4 की ही, उसकी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स बन रही हैं हमारी और कैरिंग अमाउंट भी 3.4 थी, तो इस सिचुएशन में कोई गेन या लॉस अराइज नहीं हो रहा होगा, जीरो की अमाउंट होगी।
तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी कि हम गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल को कैलकुलेट करें इस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के सिचुएशन में, तो वो ये हमारे पास सोल्यूशन है वो आ जाता है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2019 के अटैम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है अल्फा एंटरप्राइजेस, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेट करता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड की जो इम्प्लीकेशन हैं वो तो थोड़ी सी हैं, ज़्यादा जो बेसिक फोकस है वो जो जनरल अकाउंटिंग हमारी डिस्पोजल से रिलेटेड और एक्सचेंज ऑफ एसेट से रिलेटेड होती है उस पर फोकस है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अल्फा एंटरप्राइजेज, और जिसमें हमें पहली इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है कि एज एट 1 जनवरी 2018 बैलेंसेज क्या थे कॉस्ट एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है और फिर एंड में रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट पर्टेनिंग टू प्लांट एंड मशीन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, और उसमें हमने कॉस्ट का अकाउंट बनाना है, हमने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है और एसेट के डिस्पोजल का अकाउंट बनाना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन पढ़कर जो जो उनकी जहां पर इम्प्लीकेशन है उसको अकॉर्डिंगली लेजर में रिकॉर्ड करते जाएंगे और जहां वर्किंग की जरूरत बनेगी पड़ेगी वहां पे हम वर्किंग भी बना लेंगे। तो हम आंसर बनाएंगे तो उसमें हमें तीन अकाउंट बनाने हैं, प्लांट एंड मशीनरी का जो हमारा कॉस्ट अकाउंट होगा, उसके बाद एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है प्लांट एंड मशीनरी के लिए और फिर हमें एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। जब हमें वर्किंग्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी उसको भी इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ और हमारे पास ये क्लियर हो गया कि रिक्वायरमेंट में तीन लेजर अकाउंट बनाने हैं, उनका हमने बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट भी बना लिया। फिगर्स जो दी हुई हैं क्वेश्चन में वो रुपीज इन थाउजेंड के हिसाब से दी हुई हैं तो इसी को हम भी फॉलो कर लेंगे और इनिशियल हमारे पास जो अमाउंट है वो है एज एट 1 जनवरी 2018, यानी जिस साल के हमने लेजर्स बनाने हैं उसके स्टार्ट में कॉस्ट का और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, यानी हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 12.7 मिलियन और 6.24 मिलियन, तो इनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2018 को ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास दैट इज 12,700,000, ये कॉस्ट का ओपनिंग हो गया, डेबिट साइड पर होगा, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड पर होगा 6240। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जी हमारे पास क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी 3 महीने गुजरने के बाद, एन ओल्ड मशीन हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 340,000 वाज एक्सचेंज फॉर न्यू मशीन, तो एक एसेट का एक्सचेंज हो रहा है। द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ 680,000। द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वाज 1130,000। अब यहाँ पे लिस्ट प्राइस जो है वो मैटर नहीं करती, जब एक्सचेंज ऑफ एसेट होता है तो हमने जहाँ पे फेयर वैल्यूज भी अवेलेबल हों और नॉर्मल एजम्पशन हमारी यही है कि ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस होता है तो हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप दैट इज 340,000 प्लस कैश पेड 680,000, इतनी अमाउंट पे न्यू एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो लिस्ट प्राइस जो है हमारे पास 1130,000 वाली, ये इररेलीवेंट है, ये हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप का कोई डाटा अवेलेबल ना होता और हम कहते हैं लेट्स से कि जो लिस्ट प्राइस है उसकी बेसिस पर ही कैश पे होना है या लिस्ट प्राइस ही जो है वो बेसिकली फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड है और क्लियरली मोर एविडेंट है, तो तब इसको यूज़ करते, लेकिन अब हमें इसे यूज़ नहीं करना, हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप है और कैश पेड की फिगर भी है तो उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो पहले तो हम इस न्यू एसेट को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये कितने का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ये बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ एसेट होता है उसमें एट द सेम टाइम आप एक एसेट का एडिशन भी हो रहा होता है, जो एसेट आपको रिसीव हो रहा होता है, और पुराना एसेट जो आपके पास से जा रहा होता है उसका आप डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कह लें कि जी टू वे जो है इसकी इम्प्लीकेशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो ओल्ड मशीन है वो 870,000 की एक्वायर की थी और 1 सितंबर 2015। तो जो पुराना एसेट होता है आपका उसकी भी हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होती है, और कई क्वेश्चन में ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होती, यहाँ पे भी गिवन नहीं है, इसे भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टेप वाइज चलते हैं। पहली बात तो हम ये स्टेब्लिश कर लेते हैं कि जो हमें नया एसेट है वो कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए। तो 340 की फेयर वैल्यू, कैश 680 का टोटल, ये हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए 1020 पे। तो एक तो ये इम्पैक्ट हो गया। दूसरा हम एक वर्किंग बना लेते हैं कि जो पुराना एसेट है उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, तो उसको भी कर लें। फिर एंट्रीज की तरफ आते तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस मशीन की जो हमने एक्सचेंज कर ली है 2015 में। क्वेश्चन में जिस तरह से बताया हुआ है कि 1 सितंबर 2015 को एक्वायर किया था उसको, तो सितंबर टू दिसंबर हमारी जो है 4 मंथ्स बनते हैं, इनकी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे 870,000। और रेट हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन होगा, फिफ्थ इंफॉर्मेशन है कि ए डेप्रिशिएट्स प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस में। तो डेप्रिसिएशन का भी जो हमारे पास पॉइंट है वो क्लियर हो गया, इसको अप्लाई करते हैं। तो 870,000 की ली थी, 20% सितंबर टू दिसंबर 4 मंथ्स बनते हैं, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 58,000। राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं हम 1,000 पे। 2016 में तो ये एसेट पूरे साल हमारे पास था, तो पूरे साल की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 870 में से 58 निकाल कर परसेंटेज अब हमारी अप्लाई होगी, दैट वुड बी 162,000। उसके बाद 2017 में भी ये पूरा साल एसेट हमारे पास रहा, जनवरी टू दिसंबर, अब भी वंस अगेन 58 के साथ साथ 162 को भी हम लेस करेंगे और फिर 20% डेप्रिसिएशन लेंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास 130। तो एक तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अब तक की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी बनती है, वो बनती है 350। ये साल के शुरू पे जो अमाउंट्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि हम फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का जो एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसे ईजिली कैलकुलेट कर सकें। सो 1 जनवरी 2018 जो हमारा ओपनिंग टाइम था उस टाइम पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी वो निकाल ली हमने, और अब 2018 में जो हमने डेप्रिसिएशन लेनी है वो लेंगे। उसके लिए हम इस क्वेश्चन में ये नोट करते हैं कि 1 अप्रैल को डिस्पोजल हुआ है, तो जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने एसेट हमारे इस्तेमाल में रहे, उसकी हमें डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए। तो 870 का एसेट था, अब तक 350 की डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, वो लेस करके 20% 3 मंथ की डेप्रिसिएशन लेंगे, दैट वुड बी 26। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारी डिस्पोजल डेट तक बन जाएगी वो होगी 376, और ये हमारे लिए जर्नल एंट्री पास करने के लिए रेलिवेंट है। तो ये 376 की अमाउंट जो है ये भी हमें इनकॉर्पोरेट करनी है। अब डिस्पोजल की जो एंट्रीज होती हैं उनको ज़रा सीक्वेंस वाइज लेकर चलें। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो आपका एसेट होता है आपने उसको उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करना होता है। तो हम कहते हैं कि जी डिस्पोजल डेबिट और जो प्लांट एंड मशीनरी है वो क्रेडिट, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास से चला गया 870 का। अब ये क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा, डेबिट एसेट डिस्पोजल अकाउंट होगा प्लांट एंड मशीनरी की वजह से 870, तो ये डेबिट और क्रेडिट इसका आ गया। अच्छा, सिमिलर लेवल पे जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमने अभी कैलकुलेट की है वो भी एलिमिनेट होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है उसे एलिमिनेट करने के लिए डेबिट करेंगे। तो सेम 1 अप्रैल को अभी हमने कैलकुलेशन किया वर्किंग वन में कि 376 की अमाउंट बनती है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमें जो कंसिडरेशन है वो क्या रिसीव हुई है। तो कंसिडरेशन में तो हमें एक एसेट रिसीव हुआ है और कुछ कैश हमें खुद देना पड़ा है। तो जो एसेट हमें रिसीव हुआ है उसकी वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1020। तो 1 अप्रैल को एसेट डिस्पोजल के साथ ही आप इसकी एंट्री कर देंगे 1020।
तो प्लांट एंड मशीनरी नया हमारे पास आ गया और डिस्पोजल की ट्रांजेक्शन के साथ आया जिसमें एक्सचेंज भी इन्वॉल्व था, तो वहीं पर इसका क्रेडिट कर देंगे 1020। अब ये रिकॉर्ड करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि अब हमें जो कैश हमने पे किया है उसको रिकॉर्ड करें। तो कैश हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने पे किया 680,000। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश का हम इस वक्त अकाउंट नहीं बना रहे तो क्रेडिट साइड हम शो नहीं करेंगे। और इस बेसिस पर जो हम अभी तक एंट्रीज कर चुके हैं इनकी बेसिस पर हम इजीली गेन और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन सी के जी जो डेबिट साइड है उसका टोटल 1550 बनता है जबकि क्रेडिट साइड का टोटल 1396 बनता है। तो 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा 154 का। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और डिस्पोजल भी है तो हम यहाँ पे इस अकाउंट को टोटल लिंक कर रहे हैं, सारे डिस्पोजल एक ही मरतबा कर लेंगे क्योंकि एक ही अकाउंट उन्होंने कहा है कि ऐसा डिस्पोजल का बनाए तो ज़्यादा डिस्पोजल्स भी हैं तो वो एक ही अकाउंट के अंदर हम इस तरीके से कवर करते जाएंगे। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन में सेकेंड इन्फॉर्मेशन थी इसको भी हमने अब कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेट कर लिया। इसके बाद हमारे पास थर्ड इन्फॉर्मेशन है कि ऑन 1 फरवरी 2018 अ प्लांट हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10 मिलियन वाज एक्वायर्ड, अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वाज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। तो हमें यानी 10 मिलियन में से 5% लेस करके 9.5 मिलियन का मिला। प्लांट वाज रेडी फॉर यूज ऑन 1 अगस्त 2018 आफ्टर इनकरिंग द फॉलोइंग कॉस्ट। तो फरवरी में लिया था लेकिन अवेलेबल फॉर यूज वो जो हो रहा है वो 1 अगस्त पे जाकर हो रहा है, यानी शुरू में उसे हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टाइप रिकॉर्ड किया होगा और फाइनली हम उसे जो रिकॉर्ड करेंगे एसेट के तौर पे वो 1 अगस्त को ही हमें करना चाहिए और इसी पॉइंट से हमें उसकी डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो कॉस्ट इनकर की हैं वो दी हुई हैं, फ्रेट चार्जेस ये बिल्कुल शामिल होंगे क्योंकि एसेट को उसकी करंट लोकेशन पर लाने के लिए ज़रूरी हैं। कंसल्टेंट फी ये भी ज़रूरी है, इसके बगैर प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होगी। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के चार्जेस ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स ये तो हम शामिल नहीं करते। स्टाफ ट्रेनिंग भी स्पेसिफिकली है कि स्टाफ ट्रेनिंग बेसिकली एसेट को ऑपरेट करने के लिए होती है, उसे लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए नहीं होती। और ओपनिंग सेरेमनी की कॉस्ट वगैरह ये भी I-16 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इनको आपने एक्सक्लूड रखना है, तो इनको भी हम शामिल नहीं करेंगे। तो 10 मिलियन 5% डिस्काउंट लेस करके और ये तीन कॉस्ट 660, 540 और 600 ये हमें शामिल करनी है। तो एक वर्किंग बना लेते हैं कि ये जो प्लांट है ये कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए। सबसे पहले जो परचेज प्राइस ऑफ प्लांट है वो ले लेते हैं, तो 10 मिलियन का 95% क्योंकि 5% डिस्काउंट हमें मिला है, 9.5 मिलियन आ गया। और फिर जो रेलिवेंट कॉस्ट हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं जिनको हमने शामिल करना है जैसे अभी डिस्कस किया 660, 540 और 600 की, 1800 की ये टोटल कॉस्ट बनती हैं और बाकी कॉस्ट को तो हमने शामिल नहीं करना। तो टोटल 11,300 इन थाउजेंड 11.3 मिलियन इस अमाउंट पर हमें इसको एडिशन को रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन में चलते हैं तो फोर्थ इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ऑन 31 अक्टूबर 2018 एनदर मशीन वॉज सोल्ड फॉर 334,000, इट वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2015 एंड हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 512 ऑन 1 जनवरी 2018, अ कॉस्ट ऑफ 25,000 वॉज इनकर्ड ऑन इट्स डिस्पोजल। डिस्पोजल कॉस्ट भी लगी है 25,000 की। अब इस पॉइंट में हमें थोड़ी सी वर्किंग बैकवर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन में कॉस्ट दे दी जाती है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी जाती। यहाँ पर कॉस्ट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों नहीं दी लेकिन हमें जस्ट नेट बुक वैल्यू बताई है, लेकिन नेट बुक वैल्यू जो बताई है वो डिस्पोजल डेट की नहीं है, वो है 1 जनवरी 2018 की। तो इस 512,000 से हम ठीक है कि जो है करंट ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
हम लेकिन हमें क्योंकि लेजर अकाउंट बनाना है तो हम अलग से कॉस्ट अलग से फाइंड आउट इस फिगर से डायरेक्टली नहीं कर सकते, अभी हम वर्किंग बैकवर्ड यूज करेंगे तो उससे हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वर्किंग की तरफ चलते हैं और इसमें मैं एक जनरल आइडिया आपको दे देता हूँ और वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। देखें, एक एसेट आपने जितने का भी लिया था, जब वो 2015 में लिया था तो 2015 में 20% डेप्रिशिएट होकर वो 80% रह जाएगा। फिर 2016 में वो मजीद 20% डेप्रिशिएट होगा, वो उस अमाउंट का 80% रह जाएगा। फिर 2017 में भी सेम 20% डेप्रिसिएशन है, यानी वो फिर 80% रह जाएगा। तो 2015, 16, 17 के बाद 1 जनवरी 2018 को एसेट हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कितने का है, और वो है 512,000। तो हमें ये नहीं पता कि एसेट की कॉस्ट कितनी थी, लेकिन हमें ये पता है कि अगर उस एसेट पे 3 साल 20% की डेप्रिसिएशन लेस की जाती तो वो फिर 512,000 का बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है। और अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो 80% बेसिकली मीन्स 0.8, और 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 3। सिंपली यहां से आपके पास इसकी कॉस्ट निकल आएगी, दैट इज 1 मिलियन। और आप वर्क बैक करके, अब यानी डायरेक्ट वर्किंग करके ये भी चेक कर सकते हैं कि 1 मिलियन पे 20% लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 800,000। फिर 800,000 पे 20% लेस करेंगे तो 160,000 लेस कर हो के आपके पास आ जाएगा 640,000। 640,000 में से आप फिर लेस करेंगे 128,000 तीसरे साल का, तो आपके पास 512,000 आ जाएगी। सो इस बेसिस पर हम सिंपली वर्किंग करेंगे। तो शॉर्टकट हम अप्लाई करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करनी है, हमने मशीन सोल्ड की तो कॉस्ट जो है वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमने जिस तरह भी वर्किंग बैकवर्ड डिस्कस किया तो हम सिंपली शॉर्टकट अप्लाई करेंगे और 1,000 की अमाउंट है जो, या 1 मिलियन कह सकते हैं आप क्योंकि फिगर इन थाउजेंड है, तो जिस पर हमारा एसेट की कॉस्ट बनती है। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है तो वो अब बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि बुक वैल्यू 512 है, कॉस्ट 1,000 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, दैट इज 488। और सिंपली हम 2018 की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि 31 अक्टूबर को डिस्पोजल हो रहा है तो अक्टूबर एंड तक 10 मंथ्स बनते हैं। तो 512 की अमाउंट है, या 1,000 माइनस 488 कर दें, वही 512 आ जाएगा। 20% का रेट है, 10 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लेंगे तो दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 85,000। और अब हम कह सकते हैं कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो डिस्पोजल है, दैट इज 573। तो ये डिटरमिन करने के बाद अब हम इसके डिस्पोजल से रिलेटेड भी एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट का जो डिस्पोजल है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, एसेट क्योंकि हमारे पास से चला गया 1,000, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है उसमें ये चीज डेबिट हो जाएगी। इसी तरीके से इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी एलिमिनेट करेंगे, 573 जो भी हमने कैलकुलेट किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसके बाद क्वेश्चन में सेल प्रोसीड्स बताई हुई है कि सेल किया है जी हमने 334,000 का, तो बैंक डेबिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, बैंक का अकाउंट तो हम नहीं बना रहे तो एसेट डिस्पोजल के अंदर जस्ट रिफ्लेक्ट कर देंगे।
और इस पर हमें हमारी कुछ डिस्पोजल कॉस्ट भी लगी हैं, 25,000 की डिस्पोजल कॉस्ट जब लगती हैं तो ऐसा डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता है, तो वो भी हमारे डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ही आ जाएगा। और इस बेसिस पर अब हम देख सकते हैं कि डेबिट साइड पर 1025 की अमाउंट बन रही है, क्रेडिट साइड पर अमाउंट 907 की बन रही है, तो हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है यहाँ भी ऑफ 118। तो यहाँ तक तो ऐसे डिस्पोजल अकाउंट को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, 2575 एंड 2575। लेकिन एक आइटम हमारा रहता है, इवन कॉस्ट अकाउंट को भी हम कंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन का फॉर द ईयर एक्सपेंस अभी कैलकुलेट नहीं किया, जो कि हमें 20% के हिसाब से करना चाहिए। तो ये एक मेन वर्किंग है जिसको हम अप्लाई करेंगे। तो आंसर में हम बाकी चीज़ें कंक्लूड कर लेते हैं और इसकी तरफ फिर चलेंगे। तो टोटल बन रहा है हमारा 25020 और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैरी डाउन का बैलेंस आ जाएगा, दैट इज 23150। अब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम तभी फाइनलाइज कर सकते हैं जब हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो। सो ईयर एंड पर हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम वर्किंग फोर बना लेते हैं। ये एक बहुत इफेक्टिव फॉर्मेट रहता है कि अगर आप एक इस तरह की कॉलम बना लें, यानी ज़्यादा कम्प्लेक्स क्वेश्चन में, कि कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑन वैल्यू तीनों आपके पास आ रही हों, खासतौर पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर। अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर आपको कॉस्ट वाला कॉलम ही बनाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑन वैल्यू को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रेट इसमें अगर डिफरेंट भी हों तो तब भी हो जाता है, और मंथ क्योंकि अक्सर डिफरेंट होते हैं डिस्पोजल और एडिशन के, तो उससे आ जाता है और फाइनल हमारी फिगर आ जाती है। तो कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ये होता है कि आपने ओपनिंग एसेट्स में से जो एसेट डिस्पोज हो गए हैं उनकी अलग डेप्रिसिएशन लेनी होती है, बाकी की अलग लेनी होती है, और जो एडिशन हुआ एसेट्स का उनकी अलग डेप्रिसिएशन लेनी होती है, क्योंकि हर किसी का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। तो इस परस्पेक्टिव से सबसे पहले हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो डिस्पोजल हैं, एक तो जो एक्सचेंज के थ्रू हुआ है और एक अदरवाइज। ये अमाउंट्स हमारे पास कॉस्ट की, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की और इन दोनों के डिफरेंस के तौर पे रिटर्न ऑन वैल्यू की, ये क्वेश्चन से ही गिवन है बेसिकली, कि ओपनिंग बैलेंस 12,700 का और ओपनिंग बैलेंस 6,240 का, और इन्हीं के हमने नेट करके रिटर्न ऑन वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब जो एसेट हमारे डिस्पोज ऑफ हुए हैं अगर उनकी डिटेल देखें, तो जो हमारा पहला एसेट है वो 870 का था और उस पर साल के शुरू पे जो डेप्रिसिएशन थी वो 350 की थी, तो ये अमाउंट्स हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और कह सकते हैं कि हम 1 जनवरी 2018 को इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू इन दो अमाउंट का डिफरेंस, यानी कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 520 था। इसी तरह जो सेकंड डिस्पोजल हमने किया वो एसेट 1000 का था और उस पर साल के शुरू में जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो 488 थी और इसका डिफरेंस 512 बनता है, ये क्वेश्चन में खुद भी बताया हुआ था। और यहाँ से हम फिर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बाकी एसेट्स थे वो कितने के थे। तो 12,700 में से 870 और 1000 के डिस्पोजल वाले एसेट्स निकाल दें तो जो बाकी एसेट्स हैं वो 10,830 के बनते हैं। इसी तरह 6,240 में से 350 और 488 निकाल दें तो आपके पास 5,402 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है, और इन दोनों के डिफरेंस से निकाल लें तो हमारे पास रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाएगी 5,428 की, और ये अल्टरनेटिवली आप 6,460 में से 520 और 512 निकाल कर भी कर सकते हैं। अब ये बड़ा क्लियर बात है कि हमें डेप्रिसिएशन रेट तो क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है कि 20% है। जो फर्स्ट एसेट हमारा डिस्पोज ऑफ हुआ वो क्योंकि 1 अप्रैल को हुआ था तो उस पर सिर्फ 3 मंथ की डेप्रिसिएशन दी जाएगी। जो सेकंड एसेट हमारा डिस्पोज ऑफ हुआ
वो बेसिकली हुआ है 31 अक्टूबर को, तो 10 महीने की डेप्रिसिएशन ली जाएगी। और बाकी एसेट्स तो डिस्पोज ऑफ नहीं हुए, वो तो साल के शुरू से लेकर साल के एंड तक हमारे पास रहे हैं, तो उन पे पूरे 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन ली जाएगी। तो 520 क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न ऑन वैल्यू पर अप्लाई करेंगे रेट 20% 3 मंथ्स, 3/12, 26, 512 इंटू 20% इंटू 10/12, 85, 5428 20% इंटू 12/12, 1086। तो ये जो हमारे पास साल के शुरू में एसेट्स थे उनको तो हमने ले लिया, अब हम वो ले लेते हैं एसेट्स जिनका एडिशन हुआ है। तो दो एसेट्स का एडिशन हुआ है, और क्वेश्चन के बजाय आंसर में देख लें तो एक तो ये हमने एक्सचेंज में एसेट लिया था 1020 का, और एक जो न्यू प्लांट आया वो 11300 का। डेट्स भी इनकी देख लेते हैं, अप्रैल और अगस्त जहाँ से हमारी डेप्रिसिएशन होनी है। अच्छा, जो एडिशन वाले एसेट्स होते हैं उनका ये है कि उन पर तो अभी कोई डेप्रिसिएशन साल के शुरू में तो वो थे ही नहीं, तो उनकी आप कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन वैल्यू भी सेम ही थी एट दैट डेट, बल्कि वो उस दिन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो आप डायरेक्ट उनकी डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट टाइम। 20% का रेट है, जो फर्स्ट एडिशन था वो 1 अप्रैल को हुआ, अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स का टाइम बनता है, और जो सेकेंड प्लांट अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ वो 1 अगस्त को हुआ, तो अगस्त से दिसंबर तक 5 मंथ्स का टाइम बनता है। तो 1020 20% 9/12, 153 की डेप्रिसिएशन बन जाती है, 11300 इंटू 20% फॉर 5 मंथ्स, 5/12 942 बन जाता है। और अब सारी डेप्रिसिएशन अगर हम टोटल कर लें तो दैट इज 2292। तो मेन चीज़ जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में आपने जहन में रखनी है वो यही है कि आपने डिस्पोजल वाले एसेट्स को अलग रखना है, ओपनिंग के बाकी एसेट्स को सेपरेट रखना है, और एडिशन के में जो एसेट्स आए हैं उनको अलग रखना है। तो एडिशन, डिस्पोजल एंड अदर, ये सेपरेट कैलकुलेशन रखेंगे तो आपकी प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाएगी। और मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्मेट है जो इस तरह की डेप्रिसिएशन वर्किंग जो कि कम्प्लेक्स वन होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2292 की अमाउंट आई है, इसको हम लेजर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब हम टोटल कर लेते हैं, 6240 और 2292, दैट वुड बी 8532। तो ईयर एंड पर हमारे पास कैरी डाउन बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर 7583। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट का लेजर बनाएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएं, और एसेट डिस्पोजल का लेजर अकाउंट बनाएं। तो वो रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।